नमस्कार दोस्तों, करेंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करेंट अफेयर। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आया, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को एटलीस्ट मिलता रहे। आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि एनटीपीसी में जॉब कैसे पाएं। इस पूरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि एनटीपीसी में जॉब कैसे पाएं। एनटीपीसी इंडिया की महारत्न कंपनी है और महारत्न कंपनी में जॉब पाने के लिए सारे इंजीनियर्स बेताब होते हैं, चाहे वो बीटेक किया हो, चाहे वो आईटीआई किया हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक किया हो, चाहे वो एमबीए किया हुआ हो, कुछ भी किया हो, लेकिन एनटीपीसी में जॉब पाना बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो देखो, दो टाइप की जॉब है एनटीपीसी में। एक तो है गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके आप पा जाओगे, और दूसरी जो जॉब है वो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो कॉन्ट्रैक्टर देता है। एनटीपीसी के अंदर में चीजें चलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो एनटीपीसी में जैसे बीटेक लेवल पे जो हायरिंग होती है वो गेट के थ्रू होती है, तो आपको गेट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा और अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। आप कह लो कि गेट में अगर कुछ ऐसी सी ब्रांच है जिसमें 80-80 नंबर लाने के बाद ही एनटीपीसी आपको जीडी में बैठाती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, उसका पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन के आपके चांसेस बनते हैं वहां पे एनटीपीसी में बीटेक लेवल पे। मतलब आप ग्रेजुएट इंजीनियर हो, अगर आपने गेट का एग्जाम क्रैक किया है वो भी अच्छे खासे नंबर से, तभी आप कर सकते हो। वो एनटीपीसी में कौन सी अच्छी अच्छी ब्रांच है जिनकी जॉब होती है? सबसे पहले ब्रांच जो आता है वो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इन दो ब्रांचों की जॉब सबसे ज्यादा एनटीपीसी में निकलती है। उसके बाद आते हैं आपके कंप्यूटर साइंस है, जो स्विच यार्ड होता है। स्विच यार्ड का नाम पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं होगा। जब एनटीपीसी में जाओगे, मैंने एनटीपीसी में ट्रेनिंग की थी, समर वेकेशन ट्रेनिंग एक महीने की एनटीपीसी दादरी में किया था। तो स्विच यार्ड होता है, स्विच यार्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की जरूरत होती है, तो भी गेट के थ्रू ही रिक्रूटमेंट होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकलती है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के, चाहे मैकेनिकल में टूल्स या प्रोडक्शन किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हुआ। जब हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक लेवल पे, तो पॉलिटेक्निक लेवल पे एनटीपीसी अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराता है। अब आप लोग कहोगे कि यार बीटेक पे गेट का एग्जाम पास करना कितना टफ होता है, लेकिन एनटीपीसी में डिप्लोमा लेवल पे जाना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन राहें आसान नहीं है, वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं, कंपटीशन का लेवल नेक्स्ट लेवल पे होता है यहाँ पे भी। लेकिन इतने डरने वाली बात नहीं, एनटीपीसी अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराती है, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद फिर जीडी और पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। और उसके बाद अगर हम दूसरे टाइप वाली जॉब की, मैं बात जब कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में एनटीपीसी में ठेकेदार के अंदर में ये जॉब होती है, और इसमें आपको 10 से 15, 15 से 50 भी मिल सकता है, डिपेंड अपॉन कि किस टाइप का प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन 10 से 15 हजार की जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको मिल जाएगा एनटीपीसी में, वही काम जो सरकारी इंजीनियर कर रहा होगा, वही आप एज ए प्राइवेट इंजीनियर बन के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करोगे। और एनटीपीसी में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लग गई ना, तो सोने पे सुहागा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है, रहने खाने सब की व्यवस्था होती है और ए ग्रेड की सुविधाएं एनटीपीसी में मिलती है। तो जो लोग अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से हैं, वो एटलीस्ट एनटीपीसी में एक बार ट्राई जरूर करें। इसके अलावा एचआर की भी, एमबीए वालों की भी जॉब है, मार्केटिंग से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड जॉब है, आईटीआई वालों की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्लांट्स में, तो आईटीआई में भी जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं वो लोग भी जा सकते हैं, और फिटर वालों की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है आईटीआई लेवल पे एनटीपीसी में। तो आप लोग तैयारी करते रहो, देखते रहो कि कब वैकेंसी निकलती है। बहुत सारे प्लांट है एनटीपीसी के इंडिया में, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन वैकेंसी निकलती है। आपको ये मैं बता दूं कि ट्रेनिंग भी कराता है, समर वेकेशन ट्रेनिंग जो है एनटीपीसी बहुत ज्यादा कराता है, और उससे उसके अकॉर्डिंग वो जागरूकता फैलाता है। और समर वेकेशन ट्रेनिंग के बाद कभी कभी जरूरत पड़ती है तो डायरेक्ट इंटरव्यू लेके भी सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा किया जाता है एनटीपीसी में। लेकिन उस कंडीशन में मैक्सिमम आईआईटीएन को हायर करते हैं ये लोग। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग किया तो आप एलिजिबल होते हो, या प्रोजेक्ट पे काम किया हो, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में जाने की अपॉर्चुनिटी भी आपको एनटीपीसी में मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर एनटीपीसी में जॉब करना है तो एकदम टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। जितनी इजिली मैंने वीडियो में चीजें बता दी, उतनी इजिली है नहीं एक्चुअली, और ना मैं आपको डरा रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। बहुत सारे मेरे दोस्त उन्होंने एनटीपीसी की तैयारी की, लेकिन 2-3 दोस्तों हैं, एक एनटीपीसी दादरी में ही है और एक एनटीपीसी सोनभद्र में है, एक और फ्रेंड है जो एनटीपीसी दिल्ली में था, दिल्ली बंद हो गया प्लांट, कहीं और शिफ्ट हो गया है वो। तो आपको बस अपने टेक्निकल बैकग्राउंड पे फोकस करना, उसके बाद एनटीपीसी का एंट्रेंस देना है डिप्लोमा लेवल पे, या गेट निकालो अच्छे नंबर से,
फिर आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन होगा। तो ये था प्रोसीजर एनटीपीसी में जॉब करने का, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि एनटीपीसी आप लोगों को कैसी लगती है इंडिया की महारत्न कंपनी, और कौन 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 से लोग हैं जो जॉब में इंटरेस्टेड है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। बस थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।